पहाड़ी युद्ध में दो ही चीजें अहम होती हैं, आड़ और असलहा। 80-90 डिग्री की सीधी चढ़ाई वाले चट्टानों पर सैनिकों को आड़ थी केवल प्रार्थना की, और कई कई दिनों तक जंग के मैदान में बिना सपोर्ट फंसे रहने के कारण असलहा था, बंदूक का नेजा, अपने हाथ और हिम्मत। दुश्मन इतनी मजबूत स्थिति में था कि वो एडवांस शुरू होते ही रोक देता था। एक बार तो ग्रेनेडियर्स की दो पलटन 16 दिन तक एक रिज पर फंसी रही। तोलोलिंग पर नियंत्रण मुमकिन हुआ था अनगिनत बलिदानों से। किसी भी मोर्चे पर कूच के लिए सैनिकों को प्रतीक्षा करनी होती थी मौसम के खराब होने की, यानी ऐसा वक्त जब बर्फीला तूफान हो, हवाओं की आवाज आर्टिलरी शेलिंग की आवाज से टक्कर ले सके। ऐसा वक्त जब तापमान -10-20 डिग्री तक गोते लगाए ताकि दुश्मन बंकर में छिपने को मजबूर हो जाए और आगे बढ़ते सैनिकों को देख न पाए, पर ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं और सैनिकों में मुहिम को जल्द खत्म करने का जज्बा भी तो रहता है। ऐसे ही एक दिन आवेश और आवेग में ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी की अगुवाई करते हुए मेजर अधिकारी तेजी से आगे बढ़े और दुश्मन के 15 मीटर के दायरे में पहुंच गए। दुश्मन ने अपनी बंदूकों का पूरा जोर उस टुकड़ी पर लगा दिया जैसे कोई दैत्य निरंतर आग उगल रहा हो। असलहा खत्म होने पर भारतीय सैनिक पाकिस्तानियों से गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भी डटे। मेजर अधिकारी समेत दो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। गोलीबारी इतनी भीषण थी कि सैनिक अपने शहीद साथियों के शव भी नहीं उठा पा रहे थे। कैप्टन सचिन निंबालकर उस समय घातक टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे। 15,000 फीट पर एक बड़े चट्टान के पीछे बस पैर रखने की जगह भर में सैनिक 3 दिन तक फंसे रहे थे। तब पाकिस्तानियों ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकलने के लिए उकसाने की कोशिश की और ताना मारते हुए कहा, ऊपर आ जाइए साहब, हमारे पास हथियार नहीं है, आकर अपने मेजर साहब की बॉडी ले जाइए। तब कैप्टन निंबालकर ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी बॉडी भी ले जाने आया हूँ। उस रोज ऐसा नहीं हो पाया। वीर गति को प्राप्त हमारे सैनिकों के शरीर वहीं रहे, लेकिन जब पूरी स्थिति को आंक कर भारत ने अंतिम आक्रमण किया था तब पाकिस्तानियों की लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। हम अपने शहीद पराक्रमियों को भी वापस लाए और पाकिस्तानियों की लाशों को भी दफन किया। पोलोलिंग ठीक मुख्य सड़क पर था, इसीलिए इस चोटी पर पाकिस्तानी नियंत्रण ऐसा था जैसे वो हमारा गला घोट रहा। 510 किलोमीटर लंबे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे का एक अहम हिस्सा 32 दिन की कोशिशों के बाद मुक्त हो चुका था। हफ्तों से जूझ रही भारतीय सेना को उसकी पहली कामयाबी मिली थी तोलोलिंग में। कहने को यह केवल एक लड़ाई की जीत थी, पर करगिल में हर मोर्चे पर लड़ रहे जवानों को हौसला दे रही थी। तोलोलिंग में तो सभी जवानों का मनोबल 7वें आसमान पर था। तोलोलिंग में जीत मिल गई थी, चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था, पर यह बस लड़ाई की शुरुआत थी। दुश्मन ने मरते मरते रीइंफोर्समेंट्स की गुहार लगा दी, यानी तोलोलिंग पर काउंटर अटैक लाजमी था। बाद में काउंटर अटैक में मेरे साथियों में बहुत गोली लगी, वो 9 तो शहीद हो ही गए, और उसके बाद में जो हमारे साथी सतवीर चीता था, प्रदीप था दिल्ली का, जो मतलब उसका भी गोली लगी। कई आदमियों को तोलोलिंग पर, हमारी चार्ली कंपनी के, मेरी कंपनी के, बहुत आदमियों को गोली लगी जो आज जिंदा भी है।
तोलोलिंग पर नियंत्रण मजबूत रखने की आवश्यकता थी और वो भी तेज गति से। 12 जून को तोलोलिंग जीतने के बाद 13 जून की सुबह तक राजपुताना राइफल्स के जवानों ने तोलोलिंग से करीब 100 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित बर्बाद बंकर को हासिल कर लिया था। अब तक हमारी बोफोर्स तोपे पहुंच चुकी थी और बोफोर्स से तोलोलिंग को कमजोर करने के लिए बहुत जरूरी था कि वहां पे हेवी सेलिंग कराई जाए, तो क्रेस्ट के अंदर आर्टिलरी का इफेक्ट फायर डालने के लिए वो एक ऐसी जगह थी, वो एक बंकर था जहां पे इफेक्टिव फायर आर्टी के गोले वहां ज्यादा गिर रहे थे, जिसकी वजह से वहां सारा बर्बाद हो गया। इसलिए हमारी यूनिट ने ही उसका नाम बर्बाद बंकर रखा और उसी का रेफरेंस देकर के आगे की लड़ाई लड़ी गई। ग्रेनेडियर्स पर जिम्मा था हम पर कब्जा करने का। इस बेहद महत्वपूर्ण फीचर पर दुश्मन मजबूती से काबिज था। एक एक कदम आगे बढ़ाना ऐसा था जैसे शोलों के दरिया से गुजर कर जाना। पाकिस्तान ने तो सारे बंकर बना रखे थे, उसको संगर की तरह पत्थरों से बना रखे थे। दे वर स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड पोजीशंस। तभी तो शुरू शुरू में कितनी हमें परेशानी हुई थी। फर्स्ट अबाउट 2-3 वीक्स वी हैड ह्यूज कैजुअल्टीज। जवानों को गोलियां लगती, वो गिरते फिर भी आगे बढ़ते। ये लड़ाई सिर्फ एक चोटी की नहीं थी बल्कि 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की थी। उम्मीदें मध्यम थी लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों का शौर्य बेमिसाल। 14 जून तक हम पर हिंदुस्तानी नियंत्रण था। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल इन द मिलिट्री हिस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, जब इन्फेंट्री ने इस किस्म की हाइट्स को कब्जा किया है। आसान नहीं है ये, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए, इसके लिए बड़ा जोश चाहिए। उसी वजह से ये हो सकता है, नहीं तो वरना नहीं हो सकता ये। राजरिफ के योद्धा अब पाकिस्तानी बंकरों से केवल 15 मीटर की दूरी पर थे। गोलियां तेज बारिश की तरह बरस रही थी। लेफ्टिनेंट विजयन थापर नायक तिलक सिंह के साथ इसी फासले से मुकाबले में डट गए। सामने से 2 मशीन गन लगातार गोलियां बरसा रही थी। जब लगभग 1.5 घंटे के बाद भी संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकला तो लेफ्टिनेंट विजयन थापर ने आगे जाकर दुश्मन का काम तमाम करने का फैसला किया। लगभग 1 घंटे तक, 40 मिनट से 1 घंटे तक उनकी आपस में खूब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। पूरी, मैं जब गया था वहां पर पूरी वो जगह खाली खोखों से भरी पड़ी थी और उस तरफ पाकिस्तानी थे, वो भी उतने ही फियर्स फायरिंग वो भी कर रहे थे और पत्थर पूरा बुरी तरह से मशीन गन की फायर से पेपर हो चुका था और जब खूब गाली गलौच भी हो रहा था, गाड़ियाँ ये आपस में फायरिंग भी चल रही थी और गालियाँ भी दे रहे थे एक दूसरे। और उसके बाद में थोड़ा वक्फा हुआ फायर में तो विजय ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इनके ऊपर बंकर के ऊपर धावा कर देते हैं। और जैसे ही वो खड़े हुए उसी वक्त वो पाकिस्तानी ने गोलियां चला दी। दुश्मन की गोली लेफ्टिनेंट विजय थापर की बाई आंख को भेद गई। उनका निढाल शरीर नायक तिलक सिंह की बाहों में गिर गया। अपने जिंदा दिल अफसर को इस हाल में देखते ही जवानों का खून खौल उठा। वो मौत बनकर पाकिस्तानियों पर बरसे। टाइगर हिल के पीछे ब्लैक रोक, थ्री पिंपल और नोल के ऊपर हमारी यूनिट को टास्क दिया गया, जिसके अंदर 28 जून की रात को हमारी यूनिट ने तीनों ऑब्जेक्टिव को लिया, जिसकी हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मेरे 3 साथी अधिकारी मेजर पदमपानी आचार्य, कैप्टन केंगेरिसु और कैप्टन थापर शहीद हो गए और 7 जवान शहीद हो गए, लेकिन हमने वहाँ भी विक्ट्री हासिल करी। ये बिल्कुल सही है, हमारी यूनिट के जब 4 अधिकारी, 2 सरदार साहिबान और 20 जवान ख़त्म हो गए थे तो इतनी हमारे अंदर शोक की लहर थी कि हम उसको
बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेरे सीईओ कर्नल रविंद्रनाथ साहब हिल गए थे, लेकिन हम लोगों ने आपस में बैठ करके और हिम्मत बंधा के हिम्मत रखी। सुबह की रोशनी फैली तब तक पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त हो चुके थे, दुश्मन भाग चुका था और हिंदुस्तान ने अपनी जमीन वापस हासिल कर ली थी। लेकिन राजरिफ ने 22 सैनिक और 3 अफसर खो दिए थे। ये उनका बलिदान ही था कि रणनीतिक तौर पर यह असंभव मिशन सफल हुआ था।